लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां एनडीए के गठबंधन इंडिया के गठबंधन बनाकर एकजुट होने की कोशिश में हैं। इसी बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो इधर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं। देखिए आप, हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। जाएंगे मुंबई में, जो भी बनेगी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। अभी चर्चाएं चल रही है तो वो क्यों अपना बंद करें। इसे सियासत का संयोग कहें, नफा नुकसान वाली राजनीति का प्रयोग कहें, या सीट बंटवारे से पहले पार्टी का जोर कहें, कहें कुछ भी, लेकिन 24 के चुनावों के गठजोड़ से पहले जो कुछ भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है वो वाकई गजब की बात है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच राज्यों में दो दो हाथ हैं। इंडिया वाले विपक्षी गठबंधन में दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और साथ भी ऐसा कि दोस्ती दुश्मनी कुछ साफ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी मुंबई की बैठक में जाने की बात दोहरा रही है। जाएंगे मुंबई में, जो भी बनेगी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। इस बैठक से पहले केजरीवाल ने जिस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दौरा किया, अपने दौरे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आप लोगों को कहा हो हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। अब दिल्ली फोन करके पूछो, पंजाब फोन करके पूछो, जनता कहती है 50 साल तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब से कोई नहीं हरा सकता। चर्चाएं हो रही थी कि क्या केजरीवाल की ये बयानबाजी विपक्षी एकता पर ग्रहण लगाएगी, आम आदमी पार्टी को साथ ले चलने की कांग्रेस की रणनीति इन हमलों से बिखर जाएगी। हालांकि केंद्र के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायद में शुरुआत से अब तक देखें तो कांग्रेस केजरीवाल के हर कदम पर खुद को साथ दिखाने की कोशिश कर रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में केजरीवाल के हमलों के बाद भी किसी एक्शन से बच रही है। इंडिया में भी है, अभी अटैक भी कर रहे हैं, रायपुर में भी किया, छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो कांग्रेस पे भी अटैक करती है, बीजेपी भी अटैक कर रही है। बट व्हाट अबाउट द इंडिया कोलिजन देन? ये सर मैंने कहा कि ये आगे चर्चा के बाद, ये चर्चाएं चल रही है तो वो क्यों अपना बंद करें। लेकिन भले ही बड़े नेता अभी केजरीवाल के कदमों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब के नेता ऐसे बयानों पर नाराजगी जता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की नीति और रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। गारंटी गोवा में भी दी थी, उत्तराखंड में भी दी थी, हिमाचल में भी दी थी, उसमें गारंटी देने में क्या है? किसी का कोई बेस हो तो बात करिए ना। आप इररेलेवेंट लीडर्स के बारे में सवाल पूछते रहते हैं, अब तो आप जानो उनका क्या असर हो रहा होगा। सबकी अपनी अपनी अलग पार्टी है, उनको अधिकार है अपना प्रचार प्रसार करने का, लेकिन इस समय प्रचार प्रसार करने का मतलब ये होता कि कांग्रेस का वोट कटेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जहां विस्तार होता है उससे क्षति कांग्रेस की ही होती है, बीजेपी की क्षति नहीं होती है। माना जा रहा है कि ये सारी लड़ाई दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली खींचतान का ट्रेलर है, जिसमें कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता। दिल्ली कांग्रेस के नेता बार बार यही दलील दे रहे हैं कि पिछले चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने अपने कब्जे में की थी। लेकिन गुजरात के प्रदर्शन और पंजाब में जीत के बाद अब केजरीवाल अपनी पार्टी के विस्तार की तैयारी में लगे हैं, जिसके चलते कांग्रेस से उनका टकराव तय है। मध्य प्रदेश में एक मामा है, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत।
उधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बहाने बीजेपी विपक्षी गठबंधन वाली सियासत पर हमला बोल रही है। मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की किसी भी रणनीति को फेल बता रही है। जिस पार्टी ने अम्बेडकर जी का संविधान बदला था, आज उस पार्टी के साथ इनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान बदला, इमरजेंसी लगाई देश के ऊपर, और जिसके खिलाफ इनकी पार्टी ने विरोध किया और धरने किए, प्रदर्शन किए और जेल में गए, आज उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाए बैठे हैं। असल में क्या ये राजनीति कर रहे हैं, जानकर एक लोगों में डर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तीन राज्यों की चुनावी तैयारियों के बीच सवाल ये है कि जब लक्ष्य केंद्र में बीजेपी को हराना ही है, तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुर एक जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? दोनों दल साथ मिलकर एकता वाला संदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? आज तक ब्यूरो। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन सतलुज और व्यास नदी के रौद्र रूप के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। कपूरथला, फिरोजपुर और फजिलका के कई इलाकों में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। कपूरथला की ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं है, जान बचाने की मुहिम है। हर एक जान बचाने के लिए बचाव दल के लोग पूरी शिद्दत से लगे हैं, लोगों को मुश्किल हालात से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। इनका मकसद हर एक जिंदगी को बचाने का है, चाहे इंसान हो या बेजुबान। लिहाजा ये देवदूत जी जान से रेस्क्यू में जुटे हैं। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਝੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਝੋਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਾੜ ਸੇ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਭੀ ਦੇਖੀ ਹੋ। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके का हाल देखिए। बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर तक गिर गए, जिनके घर बचे हैं उनमें पानी का कब्जा है। सतलुज और ब्यास नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिरोजपुर दे विच सतलुज जे हूँ गल करिए ताजी स्थिति की, तो इस वे फिरोजपुर दे विच पानी लगातार पिंडां नूं मार करदा होया, हुण हुसैनी वाला समाध जीरो लाइन दे उपर भी आ चुका होया, तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। फिरोजपुर में बॉर्डर से सटे गांव में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहां आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, सेना के जवान सैलाब में फंसे लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ये लोग गाँव छोड़कर या तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, या शहीदों की समाधि के पास खुले आसमान में रहने को मजबूर है। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰਾਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੱਢਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਘੁਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੇ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੀਐਸਐਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀ। ਪਹਾੜੋਂ ਮੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਕਾ ਪਾਣੀ ਗਾਓ ਕੀ ਔਰ ਬੜਨੇ ਲਗਾ, तो इन सभी ने मिलकर तुरंत एक ऊंचा बांध बनाकर तैयार कर दिया, ताकि ये पानी गांव में ना घुसे। इस संयुक्त अभियान में कटीली तार के पास 2200 मीटर लंबा सुरक्षा बांध बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस बांध की वजह से 3000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद होने से बच गई। फाजिलका के जलालाबाद इलाके में भी सतलुज नदी कहर बरपा रही है। यहाँ भी लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंप का रुख कर रहे हैं। इस दौरान पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर एक 65 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन मदद नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। फाजिलका में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। इस बीच पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर बादल फाजिलका पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना और अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान सुखवीर बादल ने भगवंत मान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट खाने और पीने के लिए पानी का है।
इस बीच कुछ समाज सेवी संस्थाएं और आम लोग लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के काम में जुटे हैं। कपूरथला से सुकेत गुप्ता, फिरोजपुर से अक्षय गहलोत्रा और फाजिलका से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के युवाओं में विदेश जाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है ताकि विदेशों में डॉलर कमाकर वो अपने सपनों को पूरा कर पाएं, लेकिन कई बार वो ट्रैवल एजेंट की ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। ये कहानी पंजाब और हरियाणा के उन युवाओं की है जिन्हें ट्रैवल एजेंट्स ने इटली में नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन लीबिया में फंसा कर उन्हें छोड़ दिया। लीबिया की त्रिपोली जेल में बंद 17 भारतीयों की रविवार देर रात वतन वापसी हो गई। जैसे ही ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पहले से इंतजार कर रहे अपने परिवारों को देखकर भावुक हो गए, अपनों से लिपटकर रोने लगे। हर किसी की आंखें नम थी क्योंकि ये लोग जिंदगी की आस तक छोड़ चुके थे। और उसने धोखेधड़ी से हमें वर्क परमिट दिया, वर्क परमिट था अरबी में, अरबी हमें आती नहीं, तो उन्होंने लीबिया भेज दिया। लीबिया से अपना वहाँ से एजेंट मिला आगे, एक और साजिद नाम का, उसने हमें रखा, उसने आगे हमें बेच दिया लिब्बी को, जो वहाँ का रिहायशी है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, एक दो टाइम खाने के लिए देते, वो भी एक पेट भर के नहीं, एक ही बंदा जिंदा रहे बस, इतना खाना मिलता। दरअसल पंजाब और हरियाणा के 17 लोग इटली में नौकरी का सपना लेकर गए थे, लेकिन ट्रेवल एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार बन गए। इटली बताकर पहले इन्हें दुबई ले जाया जाता है, वहाँ कुछ समय काम करने के बाद इन्हें इजिप्ट लाया गया, फिर ट्रेवल एजेंट ने इन्हें लीबिया पहुँचाकर वहाँ पर छोड़ दिया। लीबिया में इनके साथ जो हुआ हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर वो सुबह आते थे, गाड़ी में डाल के काम पे ले जाते थे जी, उनकी मर्जी थी, खाना देंगे ठीक है, नहीं देना ना से। रात को आते सर, सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, खुबजा, वो देना और चले जाना। सिर्फ एक ब्रेड पर आप 24 घंटे अपना मतलब जो खाना? कभी कभी सर 48 घंटे रहते थे, जहाँ टॉयलेट करना सर वही पानी पीना। कौन था ये एजेंट जिसने आपको फंसाया? एजेंट सर एक पाकिस्तानी एक इंडियन है जी। जो आप जो 17 लोग आए हो, तो आप वहाँ एक दूसरे को कैसे मिले? सर 5 तो जेल में मिले हैं जी, 12 हम एक जगह जैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे होते गए जी। तो वहाँ आप कैसे सर्वाइव करते थे सर? सर बस ऊपर वाले था जी सर्वाइव करवाने वाला, वैसे वहाँ तो कोई तरीका था ही ना जी, मौत ही थी वहाँ तो जी। I will do my best to help them more. लीबिया से इन्होंने सोशल मीडिया पर मंत्रियों और देश के नेताओं से संपर्क किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी के प्रयासों के बाद इनकी वतन वापसी हुई। 13-13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लीबिया में, लीबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता है हालात लीबिया के कैसे हैं। जब 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हमारे दफ्तर में, गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के, हमने तभी से हम सक्रिय हो गए, हमने बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे, वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में, तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की, इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ, होटल वाले को पैसे दिए। लीबिया में जीने का आश छोड़ चुके इन 17 लोगों के लिए ये पुनर्जन्म से कम नहीं है। वतन वापसी के बाद ये सभी लोग सांसद विक्रमजीत साहनी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।